समस्तंकु शुभ दिन। कंप्यूटर शिक्षा को सहयोग करिछंती। मु आशा करूछि तुम मानंकु पूर्व क्लास रे जहाँ सब शिखा जाइथिला तुम मानकर मने थिबो। जेमिति कि तुमे माने जानिछो प्रत्येक क्लास परे आमे तहार अभ्यास करिथाउ, तेणु एही क्लास टी मध्य अभ्यास क्लास अटे। किंतु अभ्यास करिबा पूर्वरु आस पूर्व क्लास विषय रे कथा हेबा। कौन तुमे कही परिबो फॉन्ट कलर एवं हाइलाइटिंग कलर मध्य रे पार्थक्य कौन अटे? तुमे फॉन्ट कलर ऑप्शन रा व्यवहार सेतेबेले करिबो जेतेबेले तुमे कोनोसी पाराग्राफ किंबा लाइन रो टेक्स्ट रो कलर को चेंज करिबा पई चाहिबो जहाँ तुमे टाइप करिथिबो। जदि तुमे सही लाइन किंबा पाराग्राफ रो पछ पाखर कलर को चेंज करिबा पई चाहिबो तेबे तुमे हाइलाइटिंग कलर ऑप्शन रो व्यवहार करिबो एवं हाइलाइटिंग कलर ऑप्शन द्वारा तुमे केवल टेक्स्ट रो पछ पाखर कलर को बदलाई पारिबो किंतु टेक्स्ट रो कलर को बदलाई पारिबो नहीं। कौन तुमे कही परिबो मेनू गुड़ी को कौन अटे एवं आमे सही गुड़ी करो व्यवहार कहीं की करी थाउ? अपन ऑफिस राइटर रे यही मेनू गुड़ी को रही थाए जेपरी की फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टेबल एवं टूल्स। यही मेनू गुड़ी करो व्यवहार करी जोने विभिन्न प्रकार काम करि परिबो जेमिति कि फाइल गुड़ी को सेव करिबा एवं कोनसी फाइल मध्यरु किछि खजिबा एवं जे कोनसी प्रकार फॉर्मेटिंग करिबा इत्यादि। जेहेतु एही सबु ऑप्शन गुड़ी को मेनू बार भितरे रही थाए। ओपन ऑफिस रे क्विक स्टार्ट विंडो कोन अटे? विंडो जेउथिरे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट, ड्राइंग इत्यादि रही थाए एही सब को क्विक स्टार्ट विंडो कहा जाए। क्विक स्टार्ट विंडो को ओपन करिबा पई तुमे केउ शॉर्टकट कमांड रो व्यवहार करिबो? क्विक स्टार्ट विंडो को ओपन करिबा पई तुमको रन कमांड बॉक्स भितरे एस ऑफिस छोट अक्षर रे टाइप करिबा को हेबो एवं ता परे तुमको एंटर की को दबाइबा को हेबो। एहा द्वारा तुम आगरे क्विक स्टार्ट विंडो देखा जिवो जेउथिरे तुमे ओपन ऑफिस रो समस्त भाग गुड़ी को देखि परिबो। कोन तुमे जानिछो स्टैंडर्ड टूल बार सहाय्य रे तुमे कोनोसी फाइल को पीडीएफ फॉर्मेट को केमिति परिवर्तन करिबो? स्टैंडर्ड टूल बार शॉर्टकट ऑप्शन एक्सपोर्ट एज पीडीएफ उपरे क्लिक करी तुमे जे कोनोसी फाइल को पीडीएफ फॉर्मेट को परिवर्तन करि परिबो। कोन तुमे कहि परिबो आमे हाइपरलिंक ऑप्शन रो व्यवहार काहे कि करू? हाइपरलिंक ऑप्शन रो व्यवहार करी तुमे काम करूथिबा तुमरा पेज रे तुमरा फाइल को लिंक करि परिबो। तुमे हाइपरलिंक ऑप्शन रो व्यवहार करी गोटेरु अधिक फाइल को लिंक करि परिबो। एबे तुमे तुमरा कंप्यूटर को स्विच ऑन करो एवं तुमको आगर कुहा जायथिबा माध्यम रे तुमरा राइटर फाइल को ओपन करो। आसा वर्तमान आजिरो क्लास आरंभ करिबा। प्रथमे तुमे समस्ते जाओ एवं तुमको देखा जायथिबा पाराग्राफ को टाइप करो। कौन तुमे माने समस्ते पाराग्राफ को टाइप करी दीछो? वर्तमान तुमे एही पाराग्राफ रे जे कोनसी फॉर्मेटिंग करो। आसा
वर्तमान स्टैंडर्ड टूल बार रो समस्त ऑप्शन गुड़ी को गोटिए गोटिए करी अभ्यास करिबा। प्रथमे जाओ एवं स्टैंडर्ड टूल बार रो किछि ऑप्शन को लुचाओ जेमिति कि सेव, एक्सपोर्ट एज पीडीएफ, न्यू एवं ओपन। जदि एहा करिबा पई तुमको किछि असुविधा हेउची तुमे एही वीडियो को देखो एवं सेथिरु सिखो। वर्तमान स्टैंडर्ड टूल बार रो ऑप्शन गुड़ी को लुचाइबा पई प्रथमे तुमर कर्सर किंबा पॉइंटर को स्टैंडर्ड टूल बार रो डाहण पाखरे थिबा ड्रॉप डाउन आइकन पाखो को नियो एवं गोटे थर क्लिक करो। एहा परे सेटर थिबा कस्टमाइज टूल बार ऑप्शन उपरे गोटे थर क्लिक करो। तुम अगर गोटे बॉक्स ओपन हबो जे भली वीडियो रे देखा जाई छी एही थारे तुमे देखि परबो ऑप्शन गुडी को रही छी। एबे न्यू उपरे क्लिक करो, तापरे ओपन उपरे क्लिक करो, तापरे सेव उपरे क्लिक करो। या परे तुमे स्क्रॉल बार को व्यवहार करि परबो। एबे एही थारे एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज पीडीएफ ऑप्शन को क्लिक करो। एजे तुमे देखि परबो क्लिक कला परे टिक मार्क गुडी को हटी जाउ छी जे गुडी को तुमे क्लिक करी थिलो। एबे तुमे चाहुथिबा ऑप्शन गुडी को एठारो स्क्रॉल बार को व्यवहार करी हटाई परिबो किबा पुनर्बार आनी परिबो। एबे ओके उपरे क्लिक करो। एबे तुमे देखि परिबो तुमे अन सिलेक्ट करथिबा ऑप्शन गुडी को एठारो लुची जाइछि जेमते कि ओपन, न्यू, सेव एही ऑप्शन गुडी को लुची जाइछि। एही बली भाबरे तुमे ऑप्शन गुडी को लुचाई परिबो। तापरे तुमे स्टैंडर्ड टूल बार रो ऑप्शन गुडी को सेव, एक्सपोर्ट एज पीडीएफ, न्यू, ओपन को पुनर्बार किपरि फेराई आनिबो देखाओ। जदि तुमको किछि असुविधा हेउछि तेबे एही वीडियो को देखो एवं सिखो। वर्तमान स्टैंडर्ड टूल बार रे लुचाई थिबा ऑप्शन गुड़ी को पुनर्बार फेराई आनिबा पई प्रथमे तुमर कर्सर को ड्रॉप डाउन आइकन पाखो को नै क्लिक करो। तापरे कस्टमाइज ऑप्शन उपरे क्लिक करो। एबे तुम आगे जो बॉक्स ओपन हेबो एही थारे तुमे लुचाई थिबा ऑप्शन उपरे पुनर्बार क्लिक करी याको फेराई आनि परिबो। जे बोली वर्तमान न्यू उपरे क्लिक कराइ छी या द्वारा टिक मार्क आसी जाउ छी। तापरे ओपन पाखरे बॉक्स को क्लिक करो, तापरे सेव ऑप्शन को क्लिक करो, तापरे ठारे एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज पीडीएफ ऑप्शन को क्लिक करो। तुमे देखि परिबो जे गुडी को अनटिक होइतिला सेडा पुनर्बार टिक होइ जाई छी। एबे ओके उपरे क्लिक करो। एहा द्वारा तुमे देखि परिबो पुनर्बार सेही ऑप्शन गुडी को स्टैंडर्ड टूल बार रे आसी जाई छी जेमति कि न्यू, ओपन, सेव ए ऑप्शन गुड़ लुचाई थिलो या पुनर्बार आसी जाई छी। एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज पीडीएफ ए ऑप्शन गुड़ी को पुनर्बार आसी जाई छी। एही बली भाबरे तुमे लुचाई थिबा ऑप्शन गुड़ी को पुनर्बार फेराई आनी परिबो। वर्तमान तुमरा फाइल को केमिति सेव करिबो देखाओ। जदि तुमको किछि असुविधा हेउची तेबे एही वीडियो को देखो एवं सिखो। वर्तमान गोटिए नुआ पेज नियो एवं हाइपरलिंक ऑप्शन रो व्यवहार करी सेव होइथिबा फाइल को नुआ पेज रे किपरि फेराई आनिबो देखाओ। जदि किछि असुविधा हेउची एही वीडियो को देखो एवं सिखो। वर्तमान तुमरा फाइल को सेव करिबा पई प्रथमे तुमरा कर्सर को स्टैंडर्ड टूल बार रे थिबा सेव आइकन पाखो को नियो। एहा परे गोटे थरो क्लिक करो जे भली वीडियो रे देखा जाई छी। तुम आगर गोटे बॉक्स ओपन हेबो एही थारे तुमरा फाइल को केउ थारे सेव करिबा पई चाहौ छ
एठारे उपरे ड्रॉप डाउन आइकन को क्लिक करी करी परिबो किंबा एठारे तुम्हें सिलेक्ट करी परिबो एबे जेतो आमे फाइल को डेस्कटॉप रे सेव करिबा डेस्कटॉप को क्लिक करो तापरे फाइल नेम जगह रे एठारे तुम्हें फाइल रो नाम दे परिबो जेउ नाम रे तुम्हारा फाइल को सेव करिबा पई चाहू छो जेउ भळे वर्तमान एठारे CS1 लिखा जाय छी यहाँ परे तले थिबा सेव ऑप्शन उपरे गोटे थरो क्लिक करो यहाँ द्वारा तुम्हारा फाइल टी सेव होई जिवो जेउ नाम रे तुम्हें दे थिलो एवं याकु तुम्हें चेक करी परिबो उपरे इठारे तुम्हें दे थिबा नाम अनुजाई तुम्हारा फाइल रो नाम आसी जाय छी एई बोली भाबरे तुम्हारा फाइल को तुम्हें सेव करी परिबो डॉक्यूमेंट एज ईमेल ऑप्शन रो व्यवहार केमिति करा जाय देखाओ किंतु मने रखिबो तुम्हारा डॉक्यूमेंट पीडीएफ फॉर्मेट रे रहिबा दरकार जदि किछु असुविधा हेउछि एही वीडियो को देखो एवं सीखो वर्तमान डॉक्यूमेंट एज ईमेल आइकन रो व्यवहार करिबा पई प्रथमे तुम्हारा कर्सर किंबा पॉइंटर को स्टैंडर्ड टूल बारे थिबा डॉक्यूमेंट एज ईमेल ऑप्शन पाखो को नियो एवं गोटे थरो क्लिक करो जे भली वीडियो रे देखा जाय छी यह द्वारा तुम आगरे गोटे मेल रो पेज ओपन हेबो एवं तुमे देखि परिबो सेही फाइल टे इठारे अटैच होई रही छी एबे या को डिलीट करो कारण आमे इठारे पीडीएफ फाइल को अटैच करिबा एथि पई तुम्हें इठारे अटैच फाइल ऑप्शन को क्लिक करो तुम्हें देखि परिबो यह वर्तमान हाइलाइट हेउ नाही एथि पई अटैच देम ऑप्शन को सिलेक्ट करो तापरे इठारे अटैच आइटम ऑप्शन को क्लिक करो तापरे इठारे क्रॉस चिन्ह ऊपर क्लिक करो यहाँ पर तुम्हें देखि परिबो इठारे अटैच फाइल ऑप्शन टी हाइलाइट होई जाई छी एबे याकु गोटे थरो क्लिक करो या द्वारा तुम आगरे गोटे बॉक्स ओपन हेबो एई थारु तुम्हारा फाइल जेउठारे अछि ताकु खोजि परिबो एबे जेहेतु हमर फाइल टी डेस्कटॉप रे अछि तनु डेस्कटॉप को क्लिक करो एबे इठारे स्क्रॉल बार को व्यवहार करी एठार थिबा पीडीएफ फाइल को अटैच करबा पई इठारे पीडीएफ फाइल टी को सिलेक्ट करो तापरे इंसर्ट ऑप्शन ऊपर क्लिक करो या द्वारा तुम्हें देखि परिबो अटैच्ड फाइल हिसाब रे सही पीडीएफ फाइल टी आसी जाई छी यहाँ पर टू जगह रे जहां को तुम्हें फाइल टी पठाया पई चाहू छ तांकर मेल आईडी एठारे टाइप करो ध्यान देबो मेल आईडी सटीक हेबा आवश्यक जे भले एठारे वीडियो रे गोटे मेल आईडी टाइप करा जाई छी एई भले भाबरे गोटे मेल आईडी टाइप करो एभली भाबरे यहाँ परे तुम्हें इठारे सेंड ऑप्शन ऊपर गोटे थर क्लिक करो यह द्वारा फाइल टी तुम्हारा सेंड होई जिवो ता परे तुम्हें तुम्हारा डॉक्यूमेंट को किपरी पीडीएफ फॉर्मेट को परिवर्तन करिबो देखाओ जदि किछि असुविधा हेउछि एही वीडियो को देखो एवं सीख वर्तमान तुम्हारा फाइल को पीडीएफ फाइल को परिवर्तन करिबा पई प्रथमे तुम्हारा कर्सर किंबा पॉइंटर को स्टैंडर्ड टूल बारे थिबा एक्सपोर्ट एज पीडीएफ ऑप्शन ऊपर क्लिक करो यहाँ परे एठारे तुम्हारा फाइल को जेउठारे सेव करिया पई चाहू छ ताकु सिलेक्ट करि परिबो जेतु आमे डेस्कटॉप रे सेव करिबा तेनु डेस्कटॉप को सिलेक्ट करो तापरे फाइल नेम जगह रे एठारे तुम्हें गोटे नाम दे परिबो जेउ नाम रे फाइल टी को सेव करिया पई चाहू छ एबे सेव ऑप्शन ऊपर क्लिक करो या द्वारा तुम्हारा फाइल टी सेव होई जिवो डेस्कटॉप रे एबे या को चेक करिया पई प्रथमे फाइल टी को मिनिमाइज करो या परे डेस्कटॉप रे तुम्हें लेखितिबा नाम अनुजाई फाइल टी को चेक करि परिबो एवं यहाँ पर डबल क्लिक करी
तुम्हें फाइल टी ओपन करान देव पीडीएफ फाइल को परिवर्तन होगा पर तुम्हें यही फाइल ले कौन से प्रकार परिवर्तन करी एबे या को क्लोज कर दियो। यही परी भाव में तुम्हें पीडीएफ फाइल को तुम्हारा फाइल को परिवर्तन करी परिबो। वर्तमान तुम्हें स्टैंडर्ड टूलबार को केमिति लॉक करिबो देखाओ। पुनर्बार जदि किसी असुविधा यही वीडियो को देख एवं सीख। वर्तमान स्टैंडर्ड टूलबार को लॉक करिबा पई प्रथमे तुम्हारा कर्सर को स्टैंडर्ड टूलबार डाण पाखरे थिबा ड्रॉप डाउन आइकन पाख को नहीं गोटे थर क्लिक कर। या परे एठारे लिखाई थिबा लॉक टूलबार पोजीशन उपरे गोटे थर क्लिक कर। तुम्हें देखि परिबो एठारे टिक मार्क आसी जिवो एवं स्टैंडर्ड टूलबार टी लॉक होई जिवो अर्थात या को तुम्हें अन्य कौनसी स्थान को नहीं पार ना जो भाई तुम्हें देखि पार्छ ये थिबा बिंदु गुड़िक आसुना यह द्वारा तुम्हें यह अन्य कौनसी स्थान को नहीं पार ना। एबे स्टैंडर्ड टूलबार को पुनर्बार अनलॉक करिबा पाई तुम्हें तुम्हारा कर्सर को पुनर्बार स्टैंडर्ड टूलबार डाण पाखरे थिबा ड्रॉप डाउन आइकन पाख को नहीं गोटे थर क्लिक कर। एबे एठारे लॉक टूलबार पोजीशन उपरे गोटे थर क्लिक कर। यह द्वारा तुम्हें देखि पारिबो स्टैंडर्ड टूलबार बाम पाखरे एठारे बिंदु भली गोटे ऑप्शन आसी एठारे तुम्हारा कर्सर को रखी तुम्हें यह जेकोणसी स्थान को नहीं पारिबो बाम बटन को दबाई रखी यह चाहिए इठारे आनी रखि पारिबो। एही भली भाबरे तुम्हें स्टैंडर्ड टूलबार लॉक किंबा अनलॉक करि पारिबो। वर्तमान तुम्हें स्टैंडर्ड टूलबार को फॉर्मेटिंग टूलबार रो आगो को केमिति करिबो देखाओ एवं तापरे तुम्हें एहाकु अलग जगह केमिति रखिबो ताहा देखाओ। जदि एथिपई किछि असुविधा हेउछि एही वीडियो को देख एवं सीख। वर्तमान स्टैंडर्ड टूलबार को वर्तमान स्टैंडर्ड टूलबार रो स्थान को परिवर्तन करिवा पई तुम्हें तुम्हारा कर्सर को स्टैंडर्ड टूलबार बाम पाखरे थिबा बिंदु पाख को नियो एवं तुम्हारा माउस किंबा टचपैड रो बाम बटन को दबाई रखी तुम्हें एहाकु जेकोणसी स्थान को नहीं पारिबो कारण एहा वर्तमान अनलॉक अछि। एबे तुम्हें एहाकु फॉर्मेटिंग टूलबार तळ को आनी रख जो भली वीडियो रे देखा जाइछि एहा द्वारा तुम्हें देखि पारिबो फॉर्मेटिंग टूलबार ऊपर रही स्टैंडर्ड टूलबार तार तले रही जेतु यह अनलॉक अवस्था अच्छी तेणु तुम्हें यार स्थान को परिवर्तन करी परिबो। तापरे तुम्हें स्पेलिंग एवं ग्रामर ऑप्शन को केमिति व्यवहार करिबो ताहा देखाओ। यह करिबा पई तुमको देखा जाइथिबा लाइन को टाइप कर जहाकि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन व्हिच मेक्स आवर वर्क इजियर एही लाइन टी को टाइप कर। जदि किसी असुविधा एही वीडियो को देख एवं सीख। वर्तमान स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन रो व्यवहार करने पर प्रथम यही दिया लाइन टी को टाइप कर तुम्हारा फाइल ले एही भाव एठारे तुम्हें टाइप कर कंप्यूटर किंतु यार ध्यान देव यार बनान को भूल टाइप करिबो एवं तुम्हें देखि परिबो जो शब्दर बनान तुम्हें भूल टाइप करुछ तहार तले गोटे बंका लाल रो गारो आसुची। या परे ए लाइन टी को टाइप कर कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक ए टाइप कर एवं एठारे इलेक्ट्रॉनिक रो बनान टी को भूल लेख तापरे टाइप कर मशीन तहार मध्यम बनान को भूल टाइप कर तापरे टाइप कर व्हिच
जहार बनान मध्यम भूल टाइप कर। तापरे मेक यहार मध्यम स्पेलिंग को तुम्हें भूल टाइप कर। तापरे इटारे आवर टाइप कर। तापरे इटारे वर्क रो बनान को भूल टाइप कर एवं इटारे टाइप कर इजियर। एही लाइन टी को टाइप कर जो भली वीडियो रे देखा जाइछि। एहा परे प्रथम शब्द टी को सिलेक्ट कर। एहा परे तुम्हारो कर्सर को स्टैंडर्ड टूल बारे थिबा स्पेलिंग ऑप्शन पाख को नै गोटे थर क्लिक कर जो भली वीडियो रे देखा जाइछि। तुम आगर गोटे बॉक्स ओपन हेबो तुम्हें देखि परिबो सेठारे प्रथम शब्द टी लाल रंग रे अछि एवं ता तळे एठारे सटीक शब्द पई किछि सजेसन आसुछि। एठार सटीक शब्द को सिलेक्ट कर एवं चेंज उपरे क्लिक कर। तुम्हें देखि परिबो परवर्ती भूल शब्द टी एठारे लाल कलर हाइलाइट हो जाइछि। एबे ता पई एठारे सटीक शब्द को बाछ एवं चेंज ऑप्शन उपरे क्लिक कर। सेई परि परवर्ती शब्द पई एठारे मशीन पई सटीक शब्द टी को एठारे खोज एवं ताकु सिलेक्ट कर। तापरे चेंज ऑप्शन उपरे क्लिक कर। तापरे एठारे व्हिच पई एठारे सटीक शब्द एठारे आसुची तळे देखि परिबो या ऑलरेडी सिलेक्ट होय अछि मध्यम तबे देखि परिबो। एबे चेंज उपरे क्लिक कर। तापरे एठारे मेक पई सटीक शब्द एठारे तुमे तळे खोज एवं ताकु सिलेक्ट कर। तापरे चेंज उपरे क्लिक कर। एबे ओके उपरे क्लिक कर जेहेतु तुम्हें देखि परिबो स्पेलिंग कंप्लीट हो जाइछि। एही परि भाबरे तुम्हें भूल थिबा शब्द गुड़ी को स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन दे सटीक करि परिबो। एबे तुम्हें देखि परिबो एठारे वर्क रे एहा सटीक होइ नाही तो तुम्हें एठारे आर लगाई परिबो। एही बोले भाबरे तुम्हें स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन रो व्यवहार करि परिबो। तापरे तुम्हें कॉपी, कट एवं पेस्ट रो व्यवहार केमिति करिबो देखाओ। एहा करिबा पई तुम्हें दुईटी लाइन को सिलेक्ट कर एवं ताहाकु सही पेज रो आउ गोटे नुआ जागा को आनी देखाओ। जदि किछु असुविधा हेउछि एही वीडियो को देख एवं सीख। वर्तमान कॉपी पेस्ट ऑप्शन रो व्यवहार करिबा पई प्रथमे तुम्हें कॉपी करिबा पई चाहुतिबा लाइन किंबा पाराग्राफ को सिलेक्ट कर जो भली वीडियो रे देखा जाइछि। या परे तुम्हारा कर्सर को स्टैंडर्ड टूल बारे थिबा कॉपी ऑप्शन पाख को नियो एवं गोटे थर क्लिक कर। एहा परे तुम्हें एहा को जेउठारे पेस्ट करिबा पई चाहुछो सेठारे गोटे थर क्लिक कर। तापरे स्टैंडर्ड टूल बारे थिबा पेस्ट आइकन पाख को तुम्हारा कर्सर नहीं गोटे थर क्लिक कर। एहा द्वारा तुम्हें देखि परिबो तुम्हें सिलेक्ट करथिबा लाइन एठारे पेस्ट होई जाइछि। एही भली भाबरे तुम्हें कॉपी पेस्ट ऑप्शन रो व्यवहार करि परिबो। वर्तमान एहा को सटीक करिबा पई अंडू ऑप्शन रो व्यवहार कर। वर्तमान तुम्हारा पाराग्राफ को दुईटी भागरे भाग कर एवं पाराग्राफ रो प्रथम भागर फॉन्ट कलर को चेंज कर एवं तहार लेखार स्टाइल को चेंज कर। तापरे फॉर्मेट पेंट ब्रश ऑप्शन रो व्यवहार कर एवं एहा को व्यवहार करी पाराग्राफ रो द्वितीय भागरे सही फॉर्मेटिंग किपरि करिबो देखाओ जे भली प्रथम भागर फॉर्मेटिंग रहिछि। जदि किछि असुविधा हेउछि एही वीडियो को देख एवं सीख। वर्तमान फॉर्मेट पेंट ब्रश आइकन रो व्यवहार करिबा पई प्रथमे तुम्हें तुम्हारा पाराग्राफ को दुईटी भागरे भाग कर। एथि पई
तुम्हार कर्सर को इठारे रख एवं गोटे थर एंटर बटन को दबाओ आउ थर एंटर बटन को दबाओ से भले आउ थर एंटर बटन को दबाओ यह द्वारा तुम्हारा पाराग्राफ दुईटी भाग रे भाग हो जिवो यहाँ परे प्रथम पाराग्राफ टी को सिलेक्ट कर जो भाई वीडियो तुम्हें देखी पारु छो यहाँ परे तुम्हारा कर्सर को फॉर्मेटिंग टूल बारे थिबा फॉन्ट कलर ऑप्शन पाखो को नहीं गोटे कलर को सिलेक्ट कर एवं तुम्हें देखी पारिबो तुम्हें सिलेक्ट कर थिबा कलर अनुजाई टेक्स्ट रो कलर चेंज हो जाइछि एबे फॉन्ट स्टाइल चेंज करिबा पई फॉन्ट फैमिली ऑप्शन रे एठी गोटे स्टाइल को बाछो या द्वारा तुम्हें देखी पारिबो तुम्हारा टेक्स्ट रो स्टाइल से भली हो जाइछि एबे एही फॉर्मेटिंग को द्वितीय पाराग्राफ रे लगाया पाई प्रथमे एही पाराग्राफ टी को सिलेक्ट कर एबली भाव रे सिलेक्ट कला परे तुम्हें तुम्हारा कर्सर किंबा पॉइंटर को स्टैंडर्ड टूल बारे थिबा फॉर्मेट पेंट ब्रश आइकन पाखो को नहीं गोटे थर क्लिक कर एहा परे ताहा को आनी द्वितीय पाराग्राफ रे लगाया पाई एहा को सिलेक्ट कर जेउ पर्यंत तुम्हें सिलेक्ट करिवो सही पर्यंत फॉर्मेटिंग होई जिवो एबे तुम्हें देखी पारिवो जेउ भली प्रथम पाराग्राफ रे फॉर्मेटिंग होई छि सेई भली द्वितीय पाराग्राफ रे मध्य फॉर्मेटिंग होई जाई छि एही भली भाबरे फॉर्मेट पेंट ब्रश रो व्यवहार करी तुम्हें समान फॉर्मेट लगाई पारिबो वर्तमान तुम्हें डिक्रीज इंडेंट एवं इंक्रीज इंडेंट रो अभ्यास करो जदि किछि असुविधा होउछि एही वीडियो को देखो एवं सीख वर्तमान इंक्रीज इंडेंट एवं डिक्रीज इंडेंट ऑप्शन रो व्यवहार करबा पई प्रथमे तुम्हें तुम्हारा कर्सर को गोटे लाइन किंबा पाराग्राफ रे रख जो भाई इठारे प्रथमे रखा जाइछि एवं एहा परे तुम्हें इठारे इंक्रीज इंडेंट उपरे क्लिक कर तुम्हें देखि पारिबो बाम पाखर मार्जिन एवं पाराग्राफ मध्य रे दूरता अधिक हो जाउछि जो भाई तुम्हें देखि पारछो एहा परे जदि तुम्हें डिक्रीज इंडेंट उपरे क्लिक करिबो तेबे तुम्हें देखि पारिबो तुम्हारा लाइन किंबा पाराग्राफ बाम पाख को आसी जाउछि अर्थात बाम पाखर मार्जिन एवं पाराग्राफ किंबा लाइन मध्य रे दूरता कम हो जाउछि एई भली भाबरे तुम्हें चेक करि पारिबो एवं पुनर्बार जदि तुम्हें याकु यार पूर्व स्थान को आनिया पई चाहिबो इंक्रीज इंडेंट को व्यवहार करि पारिबो एई भली भाबरे तुम्हें इंक्रीज इंडेंट एवं डिक्रीज इंडेंट को व्यवहार करि पारिबो वर्तमान तुम्हें स्टैंडर्ड टूल बार एवं फॉर्मेटिंग टूल बार को किपरि कस्टमाइज करिबो ताहा सीख कौन तुम्हें कहि पारिबो एही सब टूल बार को केमिति कस्टमाइज करिबो स्टैंडर्ड टूल बार एवं फॉर्मेटिंग टूल बार को कस्टमाइज करिबा पई तुमको एही टूल बार रो डाहाण पाखरे थिबा ड्रॉप डाउन बटन उपरे राइट क्लिक करिबा को हेबो एवं सेठारे अलगा अलगा ऑप्शन रही थाए तुम्हें तुम्हारा निज अनुसार कस्टमाइज करि परिबो जदि किछि असुविधा हेउछि एही वीडियो को देखो एवं सीख वर्तमान टूल बार को कस्टमाइज किपरि करा जाए ताहा जानिबा पई प्रथमे तुम्हारा कर्सर किंबा पॉइंटर को नियो एवं एठारे ड्रॉप डाउन आइकन उपरे क्लिक कर एवं एठारे
कस्टमाइज टूलबार उपरे क्लिक कर। एबे तुम्हें देखि परिबो एठारे स्टैंडर्ड टूलबार रे विभिन्न प्रकार आइकन रहिछि जो आइकन गुड़िक टूलबार रे देखा जाउछि एवं तुम्हें देखि परिबो एठारे स्क्रॉल बार को व्यवहार करी जो गुड़िक उपरे टिक होइछि से गुड़िक टूलबार रे देखा जाउछि। जदि ताको अनटिक करिबो तेबे ताहा टूलबार रु हटि जिवो जो भले वर्तमान एठारे टिक करिबो एवं तुम्हें देखि परिबो टूल बारु ता हटि जाउछि एवं जदि तुम्हें चाहिबो एठारे तुम्हें पिक्चर जे सिलेक्ट करुछ एवं पिक्चर रे थिबा एठारे आइकन गुड़ी को तुम्हें चेंजेस करि परिबो। जदि न्यू उपरे क्लिक करुछ एठारे तुम्हें नाम दे परिबो जदि चाहिबो तापरे ओके उपरे क्लिक कर या द्वारा गोटे नुआ टूल बार आसिबो। एबे एड ऑप्शन उपरे क्लिक कर एवं तुम्हें देखि परिबो एठारे विभिन्न प्रकार कैटेगरी रहिछि तुम्हें जेकोणसी गोटे कैटेगरी को सिलेक्ट करि परिबो। जदि तुम्हें एडिट उपरे क्लिक करछो तेबे एडिट रो कमांड गुड़िक एठारे आसिबो एठारे तुम्हें जहाँ उपरे क्लिक करिबो एवं एड ऑप्शन उपरे क्लिक करिबो ताहा एठारे टूल बार रे एड होय होय जिवो जेउं भळी वीडियो रे देखा जायछि। एभळी भाबरे तुम्हें इठारे चाहुथिबा कमांड गुड़ी को सिलेक्ट करी एड करी परिबो। एभळी गोटे गोटे करी तुम्हें एड करी परिबो एवं तुम्हें देखि परिबो ताहा इठारे आसी जाउछि कमांड गुड़ी को। एबे याकु क्लोज कर दियो एबे ओके उपरे क्लिक कर तुम्हें देखि परिबो एठारे गोटे नुआ टूल बार उपरे आसीछि एवं तुम्हें देइथिबा आइकन गुड़िक मध्ये इठारे आसीछि जो भले तुम्हें वीडियो रे देखि पारुछो एवं तुम्हें इठारे हटाइथिबा आइकन गुड़िक मध्ये इठारे हटि जाइछि जो भले तुम्हें देखि पारुछो। सेइ भले इठारे गोटे थरो क्लिक कर एवं तापरे कस्टमाइज टूल बार उपरे क्लिक कर। एबे फॉर्मेटिंग टूल बार रे थिबा आइकन गुड़ी को तुम्हें चाहिले हटाई परिबो जे गुड़ी को पूर्वर टिक होई रही छी इठारे तुम्हें स्क्रॉल बार को व्यवहार करि परिबो एवं आवश्यक नथिबा आइकन गुड़ी को तुम्हें चाहिले इठारे हटाई परिबो। इठारे तुम्हें चाहुथिबा आइकन को एड मध्ये करि परिबो। एबे ओके उपर गोटे थर क्लिक कर तुम्हें देखि परिबो तुम्हें इठारे हटाइथिबा आइकन गुड़ी को इठारे आसुनाई बोल्ड इटालिक ए ऑप्शन गुड़ी को इठारे आसुनाई। एही परि भाबरे तुम्हें टूल बार को कस्टमाइज करि परिबो। आजिरो क्लास एठारे शेष करिबा। तुम्हारा फाइल को बंद कर एवं तुम्हारा कंप्यूटर को बंद कर। आजिरो क्लास रे तुम्हें पूर्व क्लास रो विषय गुड़ी करा अभ्यास करिलो एवं स्टैंडर्ड टूलबार एवं फॉर्मेटिंग टूलबार को केमिति कस्टमाइज करा जाए ताहा मध्य सिखिलो। कंप्यूटर शिक्षा को सहयोग करिछंती।